हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज मैं अपने इस वेबिनार में आपको जो कल हुई है जीएसटी काउंसिल मीटिंग उसके अपडेट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए और मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिल सके। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग अपडेट्स। पहली अपडेट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कॉम्पोजिशन यूनिट्स के बारे में। इस काउंसिल मीटिंग में इतने सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और सभी चेंजेस में लगभग आपका एक्ट भी अमेंड किया जाएगा। वो एक्ट अमेंड होने के लिए हमें दोनों हाउसेज यानी पार्लियामेंट से पहले उसको अमेंड कराना होगा और अकॉर्डिंगली स्टेट्स में फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। पहला चेंज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। पहले आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम्स में जो आपकी लिमिट है वो 1 करोड़ है उसको इंक्रीज करके 1.5 करोड़ किया जाएगा, बट अभी तक एक्ट को अमेंड नहीं किया गया था। तो इसके लिए ही इस काउंसिल मीटिंग में भी कहा गया है कि लिमिट इंक्रीज होगी और 1.5 सीआर कर दी जाएगी और ये लिमिट अब जल्द ही एक्ट में भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। और जैसे ही ये एक्ट में इंप्लीमेंट हो जाएगी तब उस दिन से आपकी लिमिट 1.5 करोड़ होगी, यानी आज आपकी लिमिट केवल 1 करोड़ रुपए ही है। दूसरा चेंज जो कॉम्पोजिशन स्कीम में आया है वो ये आया है कि कॉम्पोजिशन डीलर्स अभी तक कोई सर्विसेज नहीं दे सकते थे, यानी अगर वो कोई भी सर्विस देते तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, इस हार्डशिप को रिमूव करने के लिए पहले के जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी ये बात हुई थी कि 5 लाख तक की सर्विसेज वो दे सकते हैं, पर इस काउंसिल मीटिंग में उसको और बेटर वर्जन दिया गया, यानी जो आपके पिछले साल का टर्नओवर था उसका 10% तक आप सर्विसेज दे सकते हो या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। अब इसी क्लॉज को अगर हम थोड़ा और एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि पहले यानी आज भी अगर हम देखें तो हमारी लिमिट है 1 करोड़। अगर आपका 31 मार्च 2017 को टर्नओवर रही है 1 करोड़ की तो आपकी 10% उस टर्नओवर की हो जाती है 10 लाख। 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही एक्ट अमेंड होगा तो आप 10 लाख तक की सर्विसेज तो एटलीस्ट दे ही सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जून में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें कहा गया था कि रिवर्स चार्ज 9.4 वाला डेफर हो गया है 30 सितंबर 2018 तक। उसी डेफरमेंट को और इंक्रीज कर दिया गया है, यानी अब जो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना होगा और ये जो टैक्स नहीं देना है इसको एक्सटेंड करके अब 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है। यानी अब ये जो सेक्शन 9.4 वाला रिवर्स चार्ज का जो सेक्शन है इसकी एप्लीकेबिलिटी और डेफर कर दी गई है। साथ ही में एक और चीज की बात की गई है कि अगर स्पेशली नोटिफाइड पर्सन जो है यानी स्पेसिफिकली जिन पर्सन को नोटिफाई किया गया है वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड गुड्स खरीदते हैं तो आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं और नोटिफाइड पर्सन क्या होते हैं, तो जैसे ही इसके रिगार्ड में नोटिफिकेशन इशू की जाएगी तब ये बताया जा सकता है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब काउंसिल कहती है कि जिन भी टैक्स पेयर्स की बहुत सारी मल्टीपल बिजनेस प्लेस हैं एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में तो उनको ये सुविधा दी गई है कि वो अब मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी चाहे तो वो एक ही रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं। दूसरी सुविधा जो दी है वो ये दी है कि जितने भी स्पेसिफाइड स्टेट्स थे उसमें जो टर्नओवर की लिमिट थी वो थी आपकी 10 लाख, यानी 10 लाख से अगर ज्यादा आपकी सप्लाईज हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थी। अब काउंसिल ने कहा है कि हम इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर देंगे, यानी अब जो लिमिट रहेगी वो यूजुअली 20 लाख हो जाएगी, जिस दिन एक्ट अमेंड हो जाएगा उसी दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब आते हैं इसी के अंदर अगले पॉइंट पे जो कहता है कि काफी सारे टैक्स पेयर्स ने कुछ ही समय में जब से कैंसिलेशन का प्रोसेस एक्टिव हुआ था कैंसिलेशन के लिए अप्लाई तो किया, पर उनको ये दुविधा थी कि कैंसिलेशन अप्लाई करने के बाद क्या हमें रिटर्न्स भरनी है
और अगर भरनी है तो किस प्रकार भरनी है। तो इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए और इसी बात को और समझाते हुए काउंसिल ने कहा कि अगर आप कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपको किसी भी प्रकार की रिटर्न या कंप्लायंस प्रोसीजर नहीं करने हैं। That means, जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी कैंसिलेशन की, आपको कोई कंप्लायंस नहीं करनी है जीएसटी के अंदर। अब आते हैं हम अदर इम्पोर्टेंट चेंज पे, जो कि है शेड्यूल 3 अमेंडमेंट। अब शेड्यूल 3, जैसा कि आप जानते हैं सीजीएसटी एक्ट में, उसमें सारी वो सप्लाईज है, वो ट्रांजेक्शन है जिसको हम सप्लाई नहीं मान रहे हैं, यानी जिस पर टैक्स आएगा ही नहीं। उन 6 एंट्रीज के बाद अब 3 एंट्रीज और उसमें ऐड हो गई है। पहली एंट्री जो ऐड होएगी उसमें वो आती है कि अगर आपने गुड्स इंडिया के बाहर से, यानी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, किसी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भेजे हैं और ये गुड्स इंडिया में नहीं आए हैं तो उन पे जीएसटी नहीं आएगा, यानी वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएंगे। दूसरी एंट्री आती है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू सम अदर पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन। और तीसरी एंट्री आती है आपकी हाई सी सेल्स। आईसी सेल के रिस्पेक्ट में बेसिकली कस्टम का सर्कुलर भी आया था, बट अब उस चीज को और क्लियर करने के लिए उसको एक्ट के अंदर ही डाल दिया जाएगा। यानी इस केस में भी जैसे ही एक्ट अमेंड होगा तो ये 3 एंट्रीज भी शेड्यूल 3 में आ जाएंगी। फिर हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है वो हमारा ब्लॉक क्रेडिट से डील करता है। ऐसी बहुत सारी आइटम्स है जिनका क्रेडिट हमें लगता है कि ब्लॉक नहीं होना चाहिए था, बट वो ब्लॉक कर दिया गया है। सो उसी चीज को थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा फायदेमंद करने के लिए सरकार ने वो प्रोविजन को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। रिलैक्स इस प्रकार से किया है कि अगर आप शेड्यूल 3 के किसी भी तरह के आइटम के ट्रांजेक्शन अगर करते हैं या ट्रांजेक्शन आपने अवेल करी है, उसमें जो भी टैक्स रहा होगा वो टैक्स का आपको इनपुट मिल जाएगा। सेकेंड एंट्रीज के अंदर आती है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो और जो आपने मोटर व्हीकल उसके लिए परचेज किया है वो 13 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखता है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। तीसरी एंट्री जो इसमें आती है, यानी कैश जो ले जाने वाली वैन्स होती है बाय और टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, उन मोटर व्हीकल्स का भी आपको क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद जो एंट्री है वो है सर्विसेज जो आपने अवेल करी है इन रिस्पेक्ट टू जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन रिगार्ड टू द मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट विच आर एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनके रिस्पेक्ट में भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फिर आता है ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने ही करने हैं एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉयर को स्पेसिफिकली किसी लॉ में कहा गया है, उसके रिस्पेक्ट में भी आपको आईटीसी, यानी एम्प्लॉयर को आईटीसी मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं 180 डेज वाले क्लॉज की। ये एक बहुत मेजर क्लॉज है जिसके बारे में कुछ लोगों को आधी बात पता है, कुछ को नहीं पता है, और कुछ को पता होने के बाद भी वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आपने अपने सप्लायर से परचेज किया है और उसको 180 दिन में पे नहीं किया है तो आपको जो आपने आईटीसी अवेल किया था वो रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है? इंटरेस्ट के साथ करना है। अब ये तो अनड्यू हार्डशिप हो रही थी टैक्स पेयर पे, तो इस केस में काउंसिल ने कहा कि अब आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। सिंपल सी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी है तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना होगा। जब आप पेमेंट कर देंगे आप उसको अवेल कर पाएंगे, लेकिन ये चेंज भी तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्ट अमेंड हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले मेजर चेंज पे, जो कि है इनवॉइसिंग के रेस्पेक्ट में। अब जितने भी लोग क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज कर रहे थे, अगर उन्होंने पोर्टल पे देखा होगा तो उन्हें ये स्पेसिफाई करना पड़ता था कि किस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में वो रिस्पेक्टिव डेबिट या क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, और ये अपने आप में बहुत दिक्कत दे रही थी और काफी इंडस्ट्रीज में ये बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही थी। तो इसी बात का सलूशन निकालते हुए काउंसिल ने कहा कि अब आप एक सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू कर सकते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। दैट मींस आपको इनवॉइस वाइज आपको क्रेडिट या डेबिट नोट इश्यू नहीं करना होगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये रिटर्न फॉर्मेट में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे वहां पे हम लोग को डिटेल्स डालनी होगी। अब आते हैं अगले चेंज पे, जो कि है अपील्स की। पहले भी जीएसटी से पहले, यानी एक्साइज वैट सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स वगैरह में, आपको अगर आप कभी भी अपील करते थे आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट का कुछ परसेंटेज आपको डिपॉजिट कराना होता था। वही सेम प्रोविजन हमारे जीएसटी में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन करी है। क्या रिलैक्सेशन करी है वही देखते हैं हम।
अगर आपने अपील डाली है एपीलेट अथॉरिटी को, तो आपका जो प्री डिपॉजिट का अमाउंट था वो था 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड लायबिलिटी, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में ये था 20%। बट अब इसमें अपर कैप यानी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। एपीलेट अथॉरिटी के केस में वो आ जाता है 25 करोड़, और एपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में ये आ जाता है आपका 50 करोड़। यानी अगर आपका 10% या 20% प्री डिपॉजिट इन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम 25 या 50 करोड़ ही जमा कराने होंगे, इससे ज्यादा नहीं कराने होंगे। फिर हम बात करते हैं जॉब वर्क की। जॉब वर्क में सेक्शन 143 स्पेसिफिकली मुझे बोलता है कि अगर आप अपने इनपुट्स जॉब वर्कर को भेज रहे हो, तो वो आपको इनपुट्स 1 साल के अंदर वापस मंगवाने हैं। कैपिटल गुड्स जो आपने भेजे वो 3 साल में मंगवाने हैं। बट यहाँ कोई एक्सटेंशन का एज सच प्रोविजन नहीं था, तो अब ये प्रपोज किया गया है कि आप अगर कमिश्नर से परमिशन ले पाओगे, तब आपकी ये जो लिमिट है 1 ईयर या 3 ईयर्स की, ये इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी ये देखते हैं आप। इनपुट्स के केस में 1 साल और ऐड हो जाएगा, यानी आप मैक्सिमम 2 साल के अंदर उसको वापस मंगवा सकते हो, और कैपिटल गुड्स के केस में ये 2 साल और ऐड हो जाएगा, यानी आप 5 साल के अंदर उसको वापस मंगवा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास कमिश्नर की परमिशन हो। फिर बात आती है कि अगर आपने बाहर से कुछ गुड्स मंगवाए, उस पर जॉब वर्क किया यानी उस पर कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस किया, और एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिए, उस केस में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो इंडिया में नहीं होगा, वो इंडिया के बाहर यानी प्लेस आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। अब आते हैं अगले प्रोसेस पे, अगले इम्पोर्टेंट चेंज पे, जो कि है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब अगर आप IGST एक्ट में देखोगे, तो सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 कहता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होती है, जहां सप्लायर इंडिया का हो, बायर इंडिया के बाहर का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, आपको फॉरेन करेंसी में आपको कंसिडरेशन मिल रही है, और आप दोनों पार्टीज डिस्टिंक्ट पर्सन हो। अब यहाँ पे एक वेलकम स्टेप हुआ है, यानी काउंसिल ने कहा कि जो ट्रांजैक्शंस अगर RBI परमिट करता है और उधर आपको इंडियन रुपीज में ही कंसिडरेशन मिल रही है, यानी फॉरेक्स में नहीं मिल रही है, तब भी वो ट्रांजैक्शन आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को क्वालिफाई करेंगी, और अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को क्वालिफाई कर गई, तो ऑटोमेटिकली आप उस केस में भी रिफंड अप्लाई कर पाओगे RFD 01 के थ्रू। तो दैट मींस यहाँ पे एक आपको बहुत इजी वे आउट मिल जाएगा, बहुत एक अच्छा वेलकम स्टेप है काउंसिल की साइड से। अब एक और इम्पोर्टेंट चेंज की बात करते हैं, माइग्रेशन की जो विंडो है वो दोबारा से एक्टिव होगी। यानी जो भी टैक्स पेयर्स ने पहले फॉर्म REG 26 का पार्ट ए तो भरा था, पर बी भरना भूल गए थे, यानी प्रोविजनल ID तो ऑब्टेन किया था पर टोटली माइग्रेट करके GST नंबर नहीं ले पाए थे, वो अपने नोडल ऑफिसर के पास जाकर उनसे परमिशन लेकर दोबारा से इसको एक्टिव करा सकते हैं, और एक्टिव कराने के बाद अपने रिटर्न्स, जो टैक्स बनता है और जो इंटरेस्ट बनता है, वो पे कर सकते हैं। यहाँ पे उनको बेनिफिट ये दिया गया है कि उनकी सारी लेट फीस वेव हो जाएगी। लेट फीस वेव लेकिन डायरेक्टली नहीं होगी, यानी आपको लेट फीस तो पे करनी पड़ेगी, बट वो लेट फीस जब आप पे करोगे, तो वापस वो आपके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा किसी भी टैक्स हेड के अंडर। पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बाकी टैक्स पेयर्स के लिए, जिन्होंने टाइमली रिटर्न्स भरी है, जिन्होंने लेट फीस भी पे किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अनजस्ट है। तो इस प्रोविजन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर हम बात करते हैं अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की। टेक्सटाइल सेगमेंट में उनका आउटपुट है टैक्सेबल 5% पे, और कंडीशन ये है कि आप इनपुट का रिफंड नहीं ले सकते हो, और इनपुट जो आता है वो हमारा 12% या 18% पे आ रहा है, जो फैब्रिक बनाने में यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि उनका जितना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, इस चलते में उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि जिस दिन नोटिफिकेशन इश्यू हुएगी, उस दिन से जो आप परचेजेस करोगे, यानी प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे है, अगर आप ध्यान दे तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी, उस दिन से जितने भी आप परचेजेस करोगे, वो परचेजेस पे आप रिफंड क्लेम कर पाओगे अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी आप RFD 01 भर पाओगे और आराम से रिफंड भी ले पाओगे। अब आते हैं हम सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्मेट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी उत्सुकता से सभी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे, कुछ उसी प्रकार से काउंसिल ने ये बात बताई है। पहली चीज, जो लिमिट आपकी 1.5 करोड़ थी, वो 5 करोड़ हो गई है, यानी जो आप
जो भी असेसीज जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते थे, अब वो लिमिट बढ़ के 5 करोड़ हो गई है। दूसरी चीज, जो भी छोटे व्यापारी हैं जिनका केवल B2C सप्लाई है या फिर B2B प्लस B2C सप्लाई है, उन लोगों के लिए और आसान रिटर्न आएगी जिनका नाम है सहज और सुगम। फिर इसके बाद एक सुविधा दी गई है कि सप्लायर जैसे जैसे इनवॉइस करता रहेगा वो वैसे वैसे अपलोड कर सकता है पोर्टल पे, और जैसे ही वो अपलोड करेगा उसका परचेजर उसको पोर्टल पे चेक भी कर सकता है, यानी वो उसको देख सकता है, 2A में व्यू कर सकता है। दैट मीन्स उस बेसिस पे वो इनपुट भी क्लेम आसानी से कर पाएगा। फिर बात आती है अमेंडमेंट्स की। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें अमेंडमेंट्स अपने GSTR 1 में ही कर पा रहे थे, तो अगर मुझे मिड ऑफ द मंथ में पता चल रहा है किसी चेंज का तो मुझे मंथ एंड का वेट करना पड़ता था जब मैं GSTR 1 भरूं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो अमेंडमेंट्स करने होंगे वो अमेंडमेंट रिटर्न के थ्रू करने होंगे, और साथ ही अगर कोई टैक्स पेमेंट आ रही होगी उसमें तो अकॉर्डिंगली आप टैक्स भी पे कर पाओगे अमेंडमेंट रिटर्न में। फिर इसके बाद एक और चेंज आता है कि जो नल रिटर्न्स अभी हम लोग को पोर्टल पे फाइल करनी पड़ रही है उसको और आसान कर दिया जाएगा, यानी जिन भी टैक्स पेयर्स की रिटर्न पर्टिकुलर मंथ की नल जानी होगी, यानी जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, वहां पे वो सिंपली एक SMS भेजेंगे और उनकी नल रिटर्न फाइल हो जाएगी। सो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे चेंजेस थे जो जैसे ही एक्ट अमेंड होगा वैसे ही ये चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप्स है। अब हम कुछ बात करेंगे रेट चेंजेस की। पहले हम डिस्कस करते हैं गुड्स में किस तरह से रेट चेंज हुआ है। पहला चेंज आया है आपका राखी। अब आपको पता है रक्षाबंधन आ रही है, तो राखी जितने भी राखी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब राखी पे कोई टैक्स नहीं होगा, यानी वो एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड उसमें कोई प्रेशियस स्टोन्स वगैरह ना यूज हो रखे हों। दूसरी चीज, सैनिटरी पैड्स वगैरह पे भी अब GST नहीं है। तीसरा, जो फूल वाली झाड़ू है उस पे भी टैक्स नहीं है, और जितने भी भगवान जी यानी डेटीज वुडन उससे बन रहे हैं या मार्बल से बन रहे हैं तो उन पे भी GST नहीं है। फिर आता है जो आपका फोर्टिफाइड मिल्क है उस पे GST नहीं है, जो पब्लिक पर्पसेस के लिए आप वाटर दे रहे हो उस पे भी GST नहीं है, लेकिन पैक बॉटल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर आपका जो रेट चेंज हुए हैं यानी 12 से जो 5% पे आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो किसानों के लिए जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 5% की कैटेगरी में आ गया है। फिर आता है हैंडमेड मैट्स और हैंडमेड लेसेस। इसके बाद हम बात करते हैं जो 18 से 12% की कैटेगरी में आए हैं, यानी हैंडबैग्स हो गए, जो भी आपके आपके वुडन फ्रेम्स हो गए इसमें, इसमें आपके हैंडीक्राफ्ट लैंप्स हो गए। फिर आता है इसमें ग्लास स्टैच्यूज और बैम्बू फ्लोरिंग। अगर आप इसको कुल मिला के देखेंगे तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट किया गया है ताकि छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिले, उनका बिजनेस और तरक्की करे और इंडियन इकोनॉमी में भी बूस्ट है। साथ ही जो शूज हैं यानी शू मैन्युफैक्चरर थे, उनको पहले क्या था कि अगर MRP 500 रुपए तक था तो आपका GST 5% था, और 500 से ऊपर जैसे ही MRP हो जाता था तो वो 18% हो जाता था। तो ये 500 की लिमिट को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया, यानी 1000 रुपए तक अगर आपके शूज हैं तो आपको 5% का टैक्स लगेगा, और 1000 से ज्यादा है तो वो 18% पे आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सर्विसेज के केस में। अब होटल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। होटल इंडस्ट्री के जो स्लैब्स थे वो टैक्सेबल थे आपके डिक्लेयर टैरिफ पे, पर अब वो डिक्लेयर टैरिफ पे नहीं होंगे, वो एक्चुअल टैरिफ पे टैक्सेबल होंगे। दूसरी चीज, जो भी आप ई बुक्स आप परचेज कर रहे थे ऑनलाइन, उनका टैक्स रेट भी कम होकर 5% कर दिया गया है। जो भी सर्विसेज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रही थी वहां पे भी एग्जेम्प्शन आ गई है। फार्मर्स को एग्रीकल्चरल सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी काफी बेनिफिट दिया गया है, जैसे आपका इनसेमिनेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जेम्प्ट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, द सर्विसेज दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, जो FSSAI ने सर्विसेज दी है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।